सो गाइज आप लोगों ने तो भारत पे का नेम सुना होगा। सो गाइज अगर आपको जरा 1,000 से लेके अगर आपको 10 लाख तक क्रेडिट स्कोर चाहिए, देखिए भारत पे का दूसरा एक एप्लीकेशन है जिसका नेम है पोस्ट पे शॉप नाउ पे लेटर। सो गाइज इसमें जो ना आप लोगों को जो ना 1,000 से लेके आपको देखिए 10 लाख तक का लोन का क्रेडिट दिया जा रहा है, यानी कि आप लोगों को इंस्टेंट आप लोगों पे पैसा मिल जाएगा। सो गाइज देखिए ये जो बैलेंस है अगर आप चाहो तो सिंपल जो ना ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको सिबिल स्कोर अच्छा है तो गाइस सिंपल जो ना आपको 1,000 से लेके आपको जो ना 10 लाख तक आप लोगों को क्रेडिट स्कोर दिया जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो पे इसका पूरा फुल प्रोसेस जानेंगे, किस प्रकार से आप अप्लाई करोगे ये भी आज की इस वीडियो पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं लाइव प्रूफ आप लोगों को अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, मुझे कितना का अप्रूवल मिल रहा है, मुझे कितना क्रेडिट स्कोर लिमिट मिल रहा है आप लोगों के लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो आप इस प्रकार से मेरे जैसे आप भी चेक कर सकते हो, आपको भी क्रेडिट लिमिट मिले तो गाइस आप जो तुरंत पैसा को किसी भी यानी कि बैंक अकाउंट वगैरह में ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली जो ना मोबाइल की स्कीम के ऊपर आ गया हो तो चले सिंपल मैं एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। सिंपल आपको जो ना गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसका नाम है पोस्ट पे शॉप नाउ देखिए पे लेटर। तो गाइस ये एप्लीकेशन आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। सिंपल एप्लीकेशन कैसे ओपन कर लेना है, जैसे कि हमने ओपन करोगे इसके बाद इस प्रकार का आपके स्क्रीन के सामने देखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, साइड में स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद सिंपल देखिए आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे डिवाइस का परमिशन देना है, सिंपल अलाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दो। उसके बाद सिंपल देखिए आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है, यहाँ पे अलाउ कर दीजिए। उसके बाद आपका कॉल का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है, आपका SMS का इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है, अलाउ कर दीजिए। उसके बाद सिंपल देखिए आप जो है यहाँ पे 3 टाइप से वेरीफाई कर सकते हो, व्हाट्सएप में भी कर सकते हो जियो। तो चलिए इसमें व्हाट्सएप के थ्रू भी वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे मैं व्हाट्सएप में क्लिक किया हूँ उसके बाद सिंपल दोबारा फिर व्हाट्सएप पे क्लिक कर देता हूँ वैसे। उसके बाद सिंपल मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बता देता हूँ, देखिए ये सेंड करना है। जैसे कि मैं सेंड कर दूंगा उसका सिंपल आप देख सकते हो, और एक आपके पास एक लिंक आ जाएगा, वो लिंक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि अपने लिंक के ऊपर क्लिक करोगे सिंपल देखिए वो और एक पेज में चला गया था, ऑटोमेटिकली देख सकते हो यहाँ पे जो ना प्लीज वेट बटन वेरीफाई हो गया है। तो सिंपल आप लोगों को यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका पैन कार्ड नंबर दीजिए। तो चलिए आपका जो पैन कार्ड नंबर है यहाँ पे दे दीजिए। सो गाइस फाइनली जो ना मैंने पैन कार्ड नंबर दे दिया, उसके बाद सिंपल मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, देखिए पे प्लीज वेट। उसके बाद सिंपल आपका जो भी बैंक अकाउंट है सिंपल आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए सिंपल मैं जो ना यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए जैसे बैंक अकाउंट पे वेरीफाई हो रहा है, देखिए मेरा जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और देखिए सिंपल बैंक पे एक ही नंबर है। उसके बाद सिंपल देखिए इंटर आधार नंबर। चले फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपना आधार कार्ड का जो नंबर है अपना आधार कार्ड का नंबर दे दूंगा। चले सिंपल यहाँ पे आधार पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पे देखिए डीजे लॉकर, यानी कि आपके पास अगर डीजे लॉकर है तो सिंपल आप डीजे लॉकर के थ्रू आप यहाँ पे आधार नंबर को यहाँ पे ले सकते हो। तो चले सिंपल मैं अपना यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। फाइनली जो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दिया, उसके बाद सिंपल मुझे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल मुझे एक OTP आएगा, आधार कार्ड के साथ जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा वो रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा। तो जैसे कि OTP भी यहाँ पे आ गया है तो चलिए सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा OTP को भर दूंगा। चलिए OTP क्या आया हुआ है यहाँ पे 6948086948080। उसके बाद सिंपल मुझे दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अलाउ कर देना है। सिंपल अलाउ कर देता हूँ और डीजे लॉकर के थ्रू मेरा जो ना आधार कार्ड को जो ना पे वेरीफाई किया जा रहा है। देख सकते हो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया आधार कार्ड। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे बता रहा है प्रोडक्ट आइडेंटिटी नीड योर सेल्फी। तो चलिए सिंपल मैं अपना जो सेल्फी भी ऐसे अपलोड कर देता हूँ। चलिए मैं कैमरा को एकदम आप लोगों को सामने लाइव प्रूफ देख सकते हो, सेल्फी को भी मैं ऐसे अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद सिंपल लोडिंग बता रहा है तो चलिए सिंपल दोबारा मुझे पे लोडिंग इंटर ईमेल आईडी। तो चलिए सिंपल अपना जो ईमेल आईडी है सिंपल यहाँ पे ईमेल आईडी भर देता हूँ। एक मैसेज भी आ गया है तो चलिए अभी देखिए हाई समसो रिक्वेस्ट, चलिए भारत पे की तरफ से मैसेज आया तो चलिए ईमेल आईडी भर देता हूँ। देखिए जैसे कि ईमेल आईडी भर दे उसके बाद सिंपल ऐड नाउ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि ऐड नाउ पे क्लिक किया आप देख सकते हो मैं ईमेल आईडी भर दिया, ऊपर मेरा एड्रेस आ गया। तो चलिए सिंपल अपना एड्रेस के ऊपर क्लिक करके उसके बाद सिंपल मैं कंफर्म बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली देख सकते हो एड्रेस आ गया है।
तो गाइस आपने देख सकते हैं पोस्ट पे की मतलब की पोस्ट पे की तरफ से मुझे जो ना यहाँ पे देख सकते हो 1000 का मुझे लिमिट मिला है, 1000 का लिमिट, 1000 का लिमिट मिला है मुझे, क्या करूं मैं इसको। अरे कोई बात नहीं, मुझे 1000 का लिमिट मिला है, ऐसे मुझे जरूरत नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यानी कि सिखाने के लिए मैं प्रोसेस किया हूँ, मुझे लेना नहीं, सिंपल मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। चलिए 1000 का लिमिट मिला मुझे, कंटिन्यू कर दूंगा, उसके बाद सिंपल यहाँ पे फिंगर दूंगा यानी कि लॉक दे दूंगा, मैं फिंगर से लॉक कर दूँगा, उसका सिंपल मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा, उसके बाद सिंपल चलिए कन्वर्सेशन देखिए समसूर मंडल नेक्स्ट। देखिए मैं चाहूँगा ना ये पैसा को मैं अभी का अभी तुरंत और किसी यानी कि मोबाइल फ़ोन वगैरह पे मैं जो ना अभी ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो पे पोस्ट पे वीज़ा कार्ड है, मेरा कार्ड नंबर भी देखने को मिल रहा है, CVV एक्सपायरी डेट है, हाइट किया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ना सब कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए कार्ड एक्टिव है और देख सकते हो लिमिट कितना, आप ये भी ऐसे देख सकते हो। चलिए बैक कर देता हूँ, बैक करने का साथ साथ चलिए आप देख सकते हो पूरा फुल डिटेल आप ऐसे देख सकते हो। मीन्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोस्ट पे पे लेटर के लिए किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो नीचे दिया और रेड बटन को दबा के हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छा रहिए, अपना ख्याल रखिए, ओके बाय।